नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले क्रिज डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। नौगछिया में बेखौफ अपराधियों ने जीप सदस्य के भाई को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, इलाके में फैली सनसनी। नवनिर्मित बाईपास पर तेज रफ्तार बोलेरो ने युवक को रौंदा, हालत गंभीर, आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर आगजनी कर किया प्रदर्शन। कृषि जागरूकता अभियान का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया शुभारंभ, किसानों को उन्नत खेती के वैज्ञानिकों ने दी जानकारी। पर्व त्यौहार को लेकर DRDA सभागार में हुई बैठक, DM प्रणब कुमार ने शांतिपूर्ण त्यौहार सम्पन्न कराने के लिए थानेदारों को दिया आवश्यक निर्देश। और खान का शवाजिया में 3 दिवसीय उर्से पाक का हुआ समापन, सजादा नसी ने दिया शांति का संदेश। और अब खबर विस्तार से। पुलिस जिला नौगछिया में अपराधी खुलेआम हत्या जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। गुरुवार की सुबह 7 बजे जिला परिषद सदस्य के बड़े भाई की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगे। जिला परिषद सदस्य गौरव राय का बड़ा भाई सोनू राय गुरुवार की सुबह मोटरसाइकिल से भागलपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान परवत्ता थाना के जगतपुर के समीप अपराधियों ने सोनू राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। घटना में मौके पर ही सोनू राय की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नौगछिया SP निधि रानी कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द कर लेने की बात कही। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का कहना था कि कुछ ही दूरी पर थाना है, उसके बावजूद अपराधी हत्या की घटना को अंजाम देकर आराम से फरार हो गया। नाथनगर थाना क्षेत्र के नवनिर्मित बाईपास पर गुरुवार की सुबह सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो ने युवक को रौंद दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए और बाईपास को जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बाईपास निर्माण करने वाली कंपनी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। घायल युवक की पहचान किशनपुर गांव निवासी देव यादव के 18 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे प्रिंस किसी काम से बाहर जा रहा था। इसी दौरान सड़क पार करने के क्रम में तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दिया, जिसके बाद मौके पर काफी संख्या में मौजूद लोगों ने सड़क पर आगजनी कर यातायात को ठप कर दिया। जाम कर रहे लोगों ने बताया कि बाईपास निर्माण होने के बाद किशनपुर एवं भतोरिया मोड़ पर प्रतिदिन तेज रफ्तार के कारण दुर्घटना हो रही है। हादसे का शिकार होकर कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कई लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने बाईपास एवं भतोरिया मोड़ के समीप डायवर्सन एवं ओवरब्रिज निर्माण कराने की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मधुसूदनपुर पुलिस एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप यादव ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने डायवर्सन निर्माण मामले में पत्राचार करने की बात कही, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बनना शुरू हुआ है, लगभग 25 की संख्या में इस बाईपास चौक पे, किशनपुर बाईपास चौक पे 25 की संख्या में एक्सीडेंट हो चुका है। हमें जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि दोनों बगल डायवर्सन बना दिया जाए, जिससे कि हमारे आम जनों को यहाँ पे मतलब सुरक्षा मिल सके। जब से ये बाईपास का निर्माण हुआ है, तकरीबन एक साल के दरमियान में हमारे गांव के आस पड़ोस भतोड़िया, किशनपुर और कंजिया से लेकर के और भी जो राहगीर आते जाते हैं, यहां पे घटना आए दिन होती रहती है। तकरीबन 100 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। इसकी जानकारी हम लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को पहले भी दिया गया है, उसके बावजूद भी इसमें किसी प्रकार का कोई चलकदमी या कुछ चलबड़ के जो होना चाहिए, ग्रामीणों की मांग बैरिकेडिंग की व्यवस्था, खासकर कंजिया चौक और किशनपुर मोड़ के पास इस तरह की व्यवस्था, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन के बाद हम लोग प्रशासन का सम्मान करते हुए उस जाम को तोड़ते हैं और उसके बाद सिर्फ
कहने सुनने की बात रह जाती है। भागलपुर के जिला कृषि कार्यालय परिसर में गुरुवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण की ओर से एक दिवसीय प्रमंडल सह जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी, जिलाधिकारी प्रणव कुमार एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद कृषि पदाधिकारी ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिदिन बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करके कम जमीन में अच्छी पैदावार कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि सरकार किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। किसान कृषि कार्यालय से संपर्क स्थापित कर इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस मौके पर संयुक्त कृषि निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, किसान सलाहकार एवं काफी संख्या में किसान मौजूद थे। मुहर्रम, दीपावली और काली पूजा को लेकर डीआरडीए सभागार में गुरुवार को बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम प्रणव कुमार ने की। इस दौरान मुख्य रूप से काली पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर चर्चा हुई। डीएम ने जिले के सभी थानेदारों को पूजा शुरू होने के पूर्व पूजा समितियों के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि इस बार काली की प्रतिमा का विसर्जन गंगा नदी में नहीं किया जाएगा। डीएम ने अधिकारियों को पूजा के पूर्व मूर्ति विसर्जन को लेकर इलाके के तालाबों की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया और कहा कि तालाब में प्रतिमा विसर्जित की जाएगी। मौके पर सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सदर एसडीओ आशीष नारायण, नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी, डीपीआरओ बिंदुसार मंडल समेत कई थाने के थानाध्यक्ष मौजूद थे। हजर शहबाज मोहम्मद भागलपुरी का सालाना उर्स पाक गुरुवार को संपन्न हो गया। वहीं बुधवार को खानका शहबाजिया के शाहजहानी मस्जिद में कुरान खानी का आयोजन किया गया। साथ ही शायरों ने अपने कलाम की शानदार प्रस्तुति दी। मौके पर मदरसा शहबाजिया से हाफिज की पढ़ाई पूरी करने वाले आधा दर्जन छात्रों को हाफिज की डिग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता खानका शहबाजिया के सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम शहबाजी ने की। इसके पूर्व खानका शहबाजिया की ओर से मौलाना चक स्थित मियाँ साहब की गद्दी से जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। वहीं समाज सेवी मिर्जा सजादा ने बताया कि जुलूस विभिन्न मार्ग होते हुए खानका लौट गया। जुलूस में खानका परिवार के सैयद साकार आलम शहबाजी, सैयद अहरार आलम शहबाजी समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं देर रात हजर शहबाज मोहम्मद भागलपुरी की मजार शरीफ पर सजादा नशी ने चादर पोशी की। इसके बाद मुल्क में अमन चैन और शांति की दुआ मांगी गई। वहीं मौलाना फारूक आलम अशरफी ने बताया कि 3 दिवसीय उर्स पाक कुल शरीफ और फातिया खानी के साथ शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गया। भागलपुर के सीएमएस हाई स्कूल में गुरुवार को साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से 27वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के द्वारा स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ राष्ट्र में विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार को लेकर परियोजना प्रस्तुत किया गया। जिला समन्वय पवन किशोर शर्मा ने कहा कि विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिला स्तर पर चयनित होने वाले छात्र राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्रा मौजूद थे। इसमें बच्चों अपनी परियोजना को लेकर, अपने प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं और परियोजना प्रस्तुत करते हैं। इसके पहले शिक्षकों को एक कार्यशाला हुई थी, जिसमें बताया गया था कि बच्चों से कैसे परियोजना तैयार करें, उसको उनके दो दिन का ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद 2 महीने का समय दे के बच्चों का ये बाल विज्ञान कांग्रेस जिला स्तर में हो रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। झूठे वादों पर चोट करो, विकास के नाम पर वोट करो। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के सुयोग, कर्मठ एवं शिक्षित जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल को वोट करें एवं नीतीश सरकार के हाथों को और मजबूत करें। जनता की आवाज आप सबके चहेते लक्ष्मीकांत मंडल के चुनाव चिन्ह तीर छाप क्रमांक संख्या 2 पर बटन दबाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। जनता जिनके साथ है तो डरने की क्या बात है। झूठे वादों का साथ अब छोड़ो, सच्चाई से अब नाता जोड़ो। नाथनगर का बेटा है डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, सच्चा नेता है, ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित और समाज सेवी। नाथनगर का भविष्य है यही।
चुनाव चिन्ह एसी छाप क्रमांक संख्या 9 पर बटन दबाकर सबकी पसंद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक को जिताएं, जो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित हैं। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की प्रोफेसर निशा झा के क्वार्टर से चोरी किए गए सामानों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने चोरी के मामले में 3 नाबालिग चोर को गिरफ्तार किया है। SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 14 अक्टूबर को फूल तोड़ने के दौरान 3 लड़कों ने घर में घुसकर लैपटॉप, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन और इन्वर्टर की चोरी की थी। पकड़े गए तीनों लड़के की निशानदेही पर सभी सामान को बरामद कर लिया गया है। तिलका मांझी चौक पर गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बिना हेलमेट के निजी कंपनी के कर्मचारियों को मोटरसाइकिल से प्रचार करते रोक लिया, जिसके बाद पुलिस जवानों ने सभी को ट्रैफिक नियम का पाठ पढ़ाते हुए जुर्माना राशि वसूल किया। भागलपुर में काली पूजा को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। काली पूजा समिति के पदाधिकारी और सदस्य लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं पर्वती में मां काली के मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। पूजा में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री श्री 108 काली पूजा महासमिति के संरक्षक कामेश्वर यादव ने कहा कि दुर्गा पूजा की तरह काली पूजा भी शांति और सद्भाव के साथ मनाया जाएगा। वहीं काली पूजा समिति के दिवाकर भारती, राजा गोस्वामी और राजन सिंह ने बताया कि पर्वती में सभी के सहयोग से मां काली प्रतिमा स्थापित की जाती है। संरक्षक कामेश्वर यादव ने कहा कि पूजा पंडाल की निगरानी CCTV कैमरे से की जाएगी। साथ ही कामेश्वर यादव ने जिला प्रशासन से पूजा पंडालों और काली मंदिरों के इर्द गिर्द साफ सफाई कराने की मांग की। तैयारी जोरों पर है, समिति के लोग लगे हुए हैं, प्रशासन का सहयोग है, इंसान और शौकत से लगे हुए हैं, लोग चल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, करने की तैयारी में है। आम लोगों से अपील करेंगे, शांति ढंग से मनाएं, खूब मनाएं। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति की ओर से बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर परिसर में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने की। इस दौरान बैठक में सभी मंदिरों के मेयरपति मौजूद रहे। पप्पू यादव ने कहा कि इस बार बहबलपुर की प्रतिमा नूरपुर के बदले बाईपास होकर चंपा पुल पहुंचेगी और 30 अक्टूबर को शोभा यात्रा निकालकर सभी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। उन्होंने कहा कि विसर्जन के दौरान 2 जगहों पर कार्यालय बनाया जाएगा, साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, उमेश शाह, अमरकांत मंडल, दीपक कुमार पूजा समिति के सदस्य एवं मेयरपति मौजूद थे। जितने हमारे पूजा समिति के लोग हैं, सभी लोग लगे रहते हैं और जिस प्रकार जैसे दुर्गा पूजा शांति सद्भाव का एक मिसाल कायम हुआ भागलपुर में, काली पूजा छठ भी शांति सद्भाव से मनाएंगे। चहलुम भी है, उसमें भी हम सब सहयोग करेंगे और हमारा जो DM साहब, जितना हमारे मेयरपति हैं 41, जो उनका समस्या होगा DM साहब, SDO साहब और नगर आयुक्त से मांग कर इनका जितने भी मेयरपतियों का है उनको तुरंत हम सब जानकारी देंगे। शांति सद्भाव में हम सब भरोसा करते हैं। भागलपुर पूरा हमारे सरकार नीतीश जी का भी नज़र रहता है। अब भागलपुर में बहुत दाग लग गया, अब हम सब जितने पूजा समिति के लोग हैं रोड पर रहेंगे, परिंदा भी भागलपुर में पैर नहीं मार सकता है। और जो हमारा कार्यक्रम है जैसे नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति का, हमारा सुभाष पार्क पास एक कार्यालय रहेगा, एक घोसी टोला के पास रहेगा, SDO साहब के देख रेख में वहाँ
आपका मैदनी नगर चौक से और पुल तक वहाँ लाइट का जहाँ विसर्जन घाट होगा। चेहल्लुम, काली पूजा, दीपावली और छठ महापर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रमंडलीय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त वंदना कीनी ने की। कमिश्नर ने कहा कि पर्व त्यौहार में विधि व्यवस्था बनी रहे इसके लिए शांति समिति की बैठक, शहर में साफ सफाई, डेंगू के प्रकोप को देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग कराने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने कहा कि काली प्रतिमा का विसर्जन पूर्व निर्धारित रूट के अनुसार समय से कराए, साथ ही छठ के पूर्व घाटों की साफ सफाई और खतरनाक घाटों की जानकर बैरिकेडिंग का निर्देश दिया। कमिश्नर ने भागलपुर एवं बांका के डीएम एवं एसएसपी को मेला से पूर्व पूजा समितियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। साथ ही कमिश्नर ने दोनों जिले में हो रहे उपचुनाव को लेकर तैयारी की समीक्षा की। बैठक में डीआईजी विकास वैभव, डीएम प्रणब कुमार, बांका डीएम कुंदन कुमार, एसएसपी आशीष भारती, बांका एसपी अरविंद गुप्ता, नौगछिया एसपी निधि रानी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के पक्ष में प्रचार करने भागलपुर पहुंचे पूर्व मंत्री सह जदयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनता नीतीश कुमार के साथ है। 15 वर्षों के शासन में नीतीश कुमार ने कई विकास के कार्य किए हैं जिससे जनता काफी प्रभावित है और एनडीए प्रत्याशी को वोट देकर जनता नीतीश कुमार के हाथों को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने नीतीश कुमार पर अपनी आस्था व्यक्त की है। भागलपुर पहुंचने पर पूर्व मंत्री का स्वागत जदयू नेत्री किरण सिंह ने बुके देकर किया। दरअसल बिहार के लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव का निर्णय हुआ, उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में हमारे यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं मंडल जी, उन प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में हम आए थे। तो कल मैंने दर्जनों गांव घुमा और परसों भी घुमा, लगभग हमने 20-25 गांवों का दौरा किया और जनता के मन मिजाज को मैंने टोला, टटोलने की कोशिश की। मैंने पहले वोट नहीं मांगा, मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से उम्मीदवार लोकसभा के मेंबर बन गए, सीट खाली हो गई, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर चुनाव होगा। मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने गुरुवार को फुलवरिया शिव मंदिर के समीप एक सभा को संबोधित किया। ललन सिंह ने जनता से संगठन के प्रति समर्पित प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सांसद ने कहा कि 40 वर्षों की सेवा के बाद एक कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है। उन्होंने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए जनता से वोट देने की अपील की। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नौगछिया में बेखौफ अपराधियों ने जीप सदस्य के भाई को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, इलाके में फैली सनसनी। नवनिर्मित बाईपास पर तेज रफ्तार बोलेरो ने युवक को रौंदा, हालत गंभीर, आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर आगजनी कर किया प्रदर्शन। कृषि जागरूकता अभियान का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया शुभारंभ, किसानों को उन्नत खेती के वैज्ञानिकों ने दी जानकारी। पर्व त्यौहार को लेकर डीआरडीए सभागार में हुई बैठक, डीएम प्रणब कुमार ने शांतिपूर्ण त्यौहार संपन्न कराने के लिए थानेदारों को दिया आवश्यक निर्देश। और खानकाह शवाजिया में 3 दिवसीय उर्से पाक का हुआ समापन, सजादा नसी ने दिया शांति का संदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।